डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्लास 7 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, और यहाँ पे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ये पता चलेगा हमें पी क्यू आर एस इज़ ए पैरेललोग्राम। फिगर में यहाँ पर दिया गया है, पैरेललोग्राम है ये पी क्यू आर एस। क्यू एम इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। क्यू एम, क्यू एम ये हाइट की बात कर रहा है, ये हाइट जो है एस आर पर ये हाइट है क्यू एम। उसके बाद एंड क्यू एम ये एक हाइट है क्यू एम, कहाँ पे है क्यू टू पी एस, क्यू से पी एस पर है। इफ़ एस आर 12 सेंटीमीटर, ये इसकी बात कर रहा है, ये 12 सेंटीमीटर अगर है। और क्यू एम 7.6, क्यू एम मतलब ये जो दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड, दो चीज़ें निकालने के लिए कह रहा है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस ए नंबर में, और बी नंबर में क्यू एम मतलब ये जो हाइट दिया हुआ है इसको निकालना। इफ़ पी एस 8 सेंटीमीटर, पी एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तो फिर क्यू एम क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हम इसको एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें ए नंबर जो ए पार्ट दिया हुआ है इसका, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। और इसका एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, बी और एच, जो कि हम इसमें फिगर में बी दिया हुआ है। बी मतलब बेस हो गया, एस आर बी हो गया, और क्यू एम जो है वो एच हो गया। तो दो चीज़ें तो हमारे पास है ही, इसीलिए हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, एरिया निकल जाएगा हमारा। तो इसका यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं, और बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एस आर, एस आर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई एस आर, और हाइट दिया हुआ है 7.6। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.6, हम पॉइंट बाद में लगा देंगे। यहाँ पे 12 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा 6 2 जा 6 12, 1 बच गया, और 7 2 14 115 हो गया। और यहाँ पे 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो 76 ही रहेगा, मतलब 2 5 6 11 1 हो गया, 8 और 1 9 912 हो रहा है। मतलब इसका एरिया जो है वो 912 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहला का आंसर हमारे पास आ गया है, ठीक है, ये हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। बी पार्ट को हम लेते हैं, और इसमें क्या कह रहा है, बी ले लेते हैं। इसमें क्यू एन निकालने के लिए कह रहा है, और पी एस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाइट इसमें निकालना, ये हाइट जो है जो हमें नहीं पता है, ये हाइट इसे निकालना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें एरिया ही ले लेना पड़ेगा, तो ये एरिया जो है इस फॉर्मूले पे ही ये चलेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 912 इक्वल टू, हमारे पास बी तो है, बी 8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई एच हमें निकालना है, तो एच रखेंगे। अब क्या करना है, 912 बाय 8 हो जाएगा इक्वल टू एच, हमें एच निकालना है। 8 से अगर ये कट जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, 8 8 1 जा 8 हो गया, देख लेते हैं हम, 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 बच गया तो 11 हो गया, फिर 8 1 जा 8 हो गया, उसके बाद बच गया 3 और 2 32 हो गया। इसका मतलब है 32 आता है, 8 का 16 32 32, 8 4 जा 32, 4 बार में ये कट गया, इसको काट देते हैं, ये कम्प्लीटली कट गया। हमारे पास आ गया 114 इक्वल टू एच, एक ही बात है, या तो फिर हम एच इक्वल टू लिखेंगे, एच इक्वल टू 114 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसमें सेंटीमीटर हम दे देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें क्या कह रहा है,
यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। डी एल एंड बी एम आर द हाइट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी नाम का एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इसमें दो हाइट दिया हुआ है, डी एल ये एक हाइट दिया हुआ है और एक बी एम ये हाइट दिया हुआ है। और इसका इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हमारे पास है। और क्या दिया हुआ है, ए बी 35 सेंटीमीटर, ए बी 35 सेंटीमीटर और ए डी भी दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे 49 ए डी 49, फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, मतलब इसका हाइट जो है वो निकालने के लिए कह रहा है। तो हमारे पास एरिया है और दो साइड दिया, बेस दिया हुआ है, तो हाइट हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1470 मल्टीप्लाई हो गया बी सभी का दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले किसको निकालने, बी एम निकालने के लिए कह रहा है, तो बी एम निकाल लेते हैं। ये बी एम बेस हो गया, तो नहीं नहीं बी एम तो हाइट हो गया, यहाँ पे ये इसमें डी ए डी ए डी इक्वल टू 49 हो गया, बेस दिया हुआ है 49। यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे इक्वल टू देना होगा और ये 49 मल्टीप्लाई एच, एच हमारे पास नहीं है, एच जो है वही बी एम है, एच जो है वो बी एम है। यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे इसको, 1470 और h निकालना है इक्वल टू h हम लिखेंगे 1449 को, इसके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा, 7 का टेबल से 49 कटता है, तो इसका मतलब है कि 7 का टेबल से ये भी कटेगा, 7 टू जो 14 हो गया, काट देते हैं इसको, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये कटेगा 7 जा 49 और ये कटेगा 7 टू जो 14, 7 टू जो 14, 7 वन जो 7 और ये 0, मतलब 210 से कटा और फिर 7 से और फिर से कट जाएगा ये, इसको फिर से हम कर देते हैं और ये कट जाएगा 7 थ्री जो 21 3 और यहाँ पे ये 0 रह जाएगा, मतलब 30 आ गया, 30 इक्वल टू एच, एच इक्वल टू बी एम कर देना और वही बी एम जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। सेम चीज़ वही करेंगे हमें डी एल निकालने के लिए, हमें निकालना है बी एम निकाल लिया, अब डी एल निकालना है, ठीक है, तो हम जगह बनाते जाएंगे, अब इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, सेम वैसे ही बनाएंगे, 1470 इक्वल टू बी दिया हुआ है 35 मल्टीप्लाई एच, और एच इक्वल टू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1470 बाय 35, 7 के टेबल से दोनों कट जा रहा है, 7 5 जा 35 हो गया, यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, 7 5 जा 35 और 7 से जब हम इसको काटे थे तो 210 बार में कट गया था, 210 5 से 210 कट जाएगा, 5 4 जा 20 हो गया, काट देते हैं इसको, ये कट गया, ये कट गया, 5 4 जा 20 1 बच गया, 5 2 जा 10 42 बार में, इसका मतलब है कि 42 इक्वल टू एच हो गया, और हम इसी को लिख सकते हैं एच इक्वल टू
डीएल निकालने के लिए कह रहा था, क्या कह रहा था इसको हम देखते हैं। यहाँ पे डीएल हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डीएल एच इक्वल टू डीएल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया दो आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।